इराक के स्टेडियम में भगदड़, 4 की मौत। 40 साल में पहली बार इंटरनेशनल मैच हो रहा था, 65,000 से ज्यादा लोग जुटे थे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के काफिले में शामिल वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 1 कांस्टेबल की मौत। केरल में 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 60 दिन की मैटरनिटी लीव की घोषणा की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांटे 71,000 नियुक्ति पत्र। घने कोहरे के कारण उत्तर रेलवे की 16 ट्रेनें प्रभावित। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $2.5 बिलियन के रक्षा पैकेज की घोषणा की। बिहार में जातिगत जनगणना के फैसले पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला 10 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात। त्रिपुरा में कांग्रेस की बाइक रैली पर हमले की होगी जांच, इलेक्शन कमीशन ने दिया आदेश। नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक रिड हेस्टिंग्स ने सीईओ के पद से इस्तीफा दिया। यूक्रेन को हथियार सप्लाई का होगा खतरनाक परिणाम, रूस की पश्चिमी देशों को बड़ी चेतावनी। तिब्बत के नियंगची में भीषण हिमस्खलन से 8 लोगों की मौत, चीन ने बचाव कार्य के लिए भेजी टीम। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए आज मतदान, इनमें 6 नगर पालिका और 13 नगर परिषद शामिल हैं। खेलो इंडिया में शामिल हुआ कैनो सलालम खेल, महेश्वर में 6 और 7 को होगी स्पर्धा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित, 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, सीमा साहू को रायपुर शहर का जिम्मा। राजस्थान के कुलदीप सिंह राजपुरोहित का अपहरण और हत्या मामले में पाली पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हॉकी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने वेल्स को दी मात, अब क्वार्टर फाइनल के लिए न्यूजीलैंड से होगी टक्कर। इंदौर में भारत न्यूजीलैंड मैच में टिकटों की कालाबाजारी कर रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की ने जेल से जारी किया वीडियो, बोला ओसामा बिन लादेन से कभी नहीं मिला। बातचीत की गुहार पर पाकिस्तान को भारत का जवाब, कहा पहले आतंकवाद बंद करो, हमने तो हमेशा अच्छे रिश्ते चाहे हैं। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, जापान में एक दिन में 451 मौतें, भारत में 134 नए मामले सामने आए। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में शीतलहर से राहत मिली है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के पहुंचने से बारिश हो सकती है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड में 22 तारीख से 3 दिन तक बारिश, भोपाल में बादल छाएंगे, इंदौर में सामान्य रहेगा मौसम। कुश्ती संघ अध्यक्ष को हटाने की मांग पर अड़े पहलवान। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को कार ने घसीटा, मालीवाल बोली अंजलि जैसा हश्र होने वाला था। ये है
इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय।